मनोज जारांगे और मराठा आंदोलन। आइए जानते हैं कि मनोज जारांगे और मराठा आंदोलन, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है। और अभी आप सबने देखा होगा कि 2-3 दिनों पहले ही मराठा आंदोलन की बात हुई थी और मराठा सरकार ने जो आंदोलन काफ़ी समय से चला रहा था, काफ़ी वक्त से चला रहा था, उसको मराठा सरकार ने उस आंदोलन के जितनी भी मांगे थी उसको मान लिया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मनोज जारांगे, जो कि मराठा आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, उनकी मांगे क्या थी और ये इंसान, ये व्यक्ति कौन है। तो सबसे पहले जानते हैं मनोज जारांगे के बारे में और क्या है पूरा मामला। मनोज जारांगे 40 वर्ष के महाराष्ट्र के बीड जिले के रहने वाले हैं। शादी के बाद जालना जिले के शाहगढ़ में आके बस गए थे। कांग्रेस में काम करते थे शुरुआती दिनों में और फिर शिववा संगठन नाम की संगठन की इन्होंने स्थापना करी थी। 2016 में कोपड़ी में 15 वर्षीय लड़की के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया था। शिववा के संगठन के लोगों ने क्या किया कि जब ये अपराधी पेश किए जा रहे थे कोर्ट में, तब इन अपराधियों के ऊपर हमला किया था। उसके बाद फिर से नाम आता है 2021 में और जब कोर्ट ने मराठा आरक्षण बिल को एक तरीके से निरस्त कर दिया था, तब उस आंदोलन में मनोज जारांगे जुटे रहे। इनका पूरा नाम मनोज जारांगे पाटिल है। मनोज जारांगे पाटिल की मांगे क्या क्या थी? मनोज जारांगे पाटिल की मांगे थी, इसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मराठा आंदोलन या मराठा आरक्षण क्या है। महाराष्ट्र में 33% के करीब मराठा लोग रहते हैं और इनमें उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो मुख्य व्यवसाय जमींदारी का है। किसान होते हैं, सैनिक होते हैं। मराठा क्षत्रियों के नाम, अगर क्षत्रियों की बात करें तो इनके नाम या उपनाम होते हैं देशमुख, भोसले, मोरे, शिरके, जाधव, ये इनके उपनाम है। और इन्हीं में से एक जो समुदाय है उनका नाम है कुनवी। कुनवी जो है मुख्य रूप से खेती का काम करते हैं और कुनवी जो खेती का काम करते हैं वो कई तरीके से आर्थिक समस्याओं में ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि फसल के जो उनके रेट हैं वो नहीं मिलते हैं। कभी कभी सूखे की वजह से उनको खेती पूरी तरीके से नहीं होती, इस वजह से वो आर्थिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। आरक्षण मिलने पर कुनवी को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, कुनवी प्रमाण पत्र। अब जानते हैं इतिहास के बारे में। 1982 में पहली बार मराठा आंदोलन हुआ। नेतृत्व किया श्रमिक संघ नेता अन्ना साहेब पाटिल ने। 1990 में मंडल की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि जो आर्थिक स्तर पे आरक्षण दिया जाता था वो कम्युनिकेशन बदल के अब जातिगत आरक्षण में तब्दील हो गया। फिर आता है 2004 का वर्ष और फिर मराठा कुनबी को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया गया, पर मराठाओं को, जो मराठा समुदाय एज अ होल है, उनको किसी भी तरीके का आरक्षण इस तरीके से नहीं मिला, उनको छोड़ दिया गया। 2018 में देवेंद्र फडणवीस ने शिक्षा एवं नौकरियों में 16% आरक्षण वाला विधेयक पारित किया। मराठा आरक्षण को फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई। वहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट में जो ये आरक्षण, ध्यान रहे, फडणवीस जी लेके आए थे, उसको चुनौती दी गई एवं हाईकोर्ट ने उसकी वैधता जारी रखते हुए कोटा को घटाकर 13% नौकरियों में और 12% शिक्षा में लगाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई और 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाए गए कानून को रद्द कर दिया गया, क्योंकि 50% जो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था ये उससे ज्यादा बढ़ रहा था। तो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे। फाइनली कुछ ही दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जारांगे की सारी बातों को मान लिया, सारी मांगों को मान लिया, मराठा आंदोलन को यहां विराम दिया गया। और जब तक इस आंदोलन के द्वारा जितनी नीतियां बनाई जाए वो लागू ना हो,
पाटिल ने मांग की है कि मुफ्त शिक्षा सबको दी जाए, पूरे समुदाय को दी जाए, मराठा पूरे समुदाय को मुफ्त शिक्षाएं मिले, क्योंकि पहले सिर्फ लड़कियों को मिलती थी, अब वो बोल रहे हैं कि लड़कों को भी मिले, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षाएं मिले, और साथ में नौकरियां जो हैं उन नौकरियों में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिबेट दिया जाए, उनके लिए जो मराठा लोग हैं उनके लिए, मराठा समुदाय के लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ आरक्षण हो।